मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 11th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम समझेंगे मानव हृदय की संरचना, क्योंकि जो परिसंचरण तंत्र है मनुष्यों का, उसमें हृदय का सबसे महत्वपूर्ण प्रथम स्थान है। इसलिए हम इसको पहले समझेंगे, मानव हृदय की संरचना, उसके बाद किस प्रकार रक्त परिसंचरण होता है उसको समझेंगे। यहाँ चित्र में देख रहे हैं आप, बाह्य रूप से मानव हृदय इस प्रकार से दिखाई देता है। अब हम देखते हैं पहले मानव हृदय की बाह्य संरचना। हृदय गुलाबी रंग की शंक्वाकार, हृदय जो है वो गुलाबी रंग की शंक्वाकार रचना, शंक्वा अर्थात कोनिकल शेप टाइप की, जो खोखला एवं मांसल होता है। ये वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच अधर तल की ओर कुछ बाई ओर स्थित होता है। हृदय त्रिकोणाकार स्ट्रक्चर है, जिसका चौड़ा भाग सामने तथा पतला एवं नुकीला भाग जो है वो पीछे की ओर रहता है, जो कुछ बाईं ओर झुका रहता है। यह हृदयावरण हृदयावरण अर्थात पेरिकार्डियम नामक आवरण में सुरक्षित रहता है। हृदयावरण की भीतरी दीवार पेरिटोनियम की विसरल स्तर एवं बाहरी दीवार पेराइटल स्तर से बनी होती है। इन दोनों स्तरों के बीच में पेरिकार्डियल द्रव होता है, जो हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है तथा इसे घर्षण से बचाता है। बच्चों, जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक सुरक्षा देने के लिए एक आवरण पेरिकार्डियम नामक एक झिल्ली हार्ट के लिए रहती है। तो मान लीजिए ये हार्ट है, इसके ऊपर एक पेरिकार्डियल झिल्ली रहती है, इसके बीच में एक फ्लूड भरा रहता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव। ये पेरिकार्डियल द्रव जो रहता है तो वो हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करता है, क्योंकि ये कुशनिंग का काम करता है ताकि ये जो नाजुक अंग है वो सुरक्षित रह सके। यहाँ पर हम देख सकते हैं बाह्य रूप से देखने पर हृदय किस प्रकार दिखाई देता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके दो आलिंद अर्थात राइट एट्रियम और इसी के साथ यहाँ पर है लेफ्ट एट्रियम, ये दो आलिंद हो गए। यहाँ पर जो नुकीला हुआ हिस्सा है, इसके अंदर राइट वेंट्रिकल अर्थात दायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय स्थिर रहते हैं। अर्थात जो हार्ट है वो, जो उच्च वर्ग का हार्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है, उसमें से दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय, और इसी से होती हुई क्या निकलती है, एक सबसे पहले निकल रही है ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से निकल रही है कॉमन कैरोटिड आर्टरी सब क्लेवियन आर्टरी एओर्टिक आर्च मेंटेन करती है। इसको हम जब आंतरिक संरचना में और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब हम देखें हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग दाएं व बाएं आलिंद से तथा निचला नुकीला भाग दाएं व बाएं निलय से बना होता है। दायां निलय बाएं निलय से छोटा होता है। प्रत्येक आलिंद पीछे की ओर कुछ फूलकर अपनी ओर के निलय का कुछ भाग ढक लेता है। हृदय की सतह पर उपस्थित कोरोनरी दरार बाहरी रूप से आलिंदों को निलय से पृथक करती है। आलिंद ग्राही कक्ष है, अग्र तथा पश्च महाशिराओं के द्वारा शरीर के अंगों से लाया गया अशुद्ध रुधिर सीधे दाहिने आलिंद में आता है। इसी प्रकार फेफड़ों से अशुद्ध रक्त लाने वाली फुफ्फुसी शिराएं बाएं आलिंद में खुलती हैं, दाएं आलिंद से पल्मोनरी एओर्टा तथा बाएं निले से कैरिटिको सिस्टेमिक एओर्टा निकलता है। अब हम देखेंगे मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, आलिंद की दीवारें निलय की दीवारों की अपेक्षा कैसी होती है, पतली होती है। अंतर आलिंद पट्ट इंटर ऑरिकुलर सेप्टम द्वारा आलिंद दो भागों में बट जाता है। इस पर फोसा ओवेलिस नामक एक छोटा सा गड्ढा स्थित होता है। दाएं आलिंद में ऊपर की ओर उच्च या अग्र महाशिरा तथा नीचे की ओर निम्न या पश्चिम महाशिरा का छिद्र पाया जाता है। इसके द्वारा शरीर के ऊपरी एवं निचले भाग से लाया गया अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में फुफ्फुसी शिराएं चार अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं। आलिंद की भांति निलय भी एक अनुदैर्ध्य अंतर निलय पट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। दोनों निलय एक एक
आलिंद निलय छिद्र अर्थात ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर द्वारा अपनी अपनी ओर के आलिंद से जुड़े रहते हैं। दाया आलिंद निलय छिद्र का वाल्व त्रिवलन अर्थात ट्राइकस्पिड कहलाता है क्योंकि यह तीन पट्टियों का बना होता है। इसी प्रकार बाया आलिंद निलय छिद्र जो है का कपाट जो होता है वो दो पट्टियों का बना होने के कारण यह द्विवलनी कपाट अर्थात बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कहलाता है। इसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। इन कपाटों की पट्टियां हृदय रज्जु अर्थात कॉर्डी टेंडिन के द्वारा वेंट्रिकल की भीतरी दीवार पर स्थित पेशी स्तंभों से जुड़े रहते हैं। ये वॉल्व जो है रुधिर को केवल आलिंद से निलय में ही जाने देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो एक आ रहा है यहाँ पर ट्राइकस्पिड कपाट अर्थात त्रिवलनी कपाट और एक आ रहा है बाइकस्पिड कपाट। जो जहां पर आलिंद और जहां पर ये निलय स्टार्ट होता है उसके बीच में ये कपाट पाए जाते हैं। इनका काम क्या है कि अगर रुधिर आलिंद से निलय में तो आने को देते हैं, अलाउ करते हैं, लेकिन वापस निलय से ये जो रक्त को ऊपर जाने नहीं देते हैं। इनका काम मेन ये रहता है। ये आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। दाएं निलय के अगले भाग से पल्मोनरी चाप तथा बाएं निलय के अगले भाग से कैरिटिको सिस्टमैटिक चाप निकलती है। दोनों चाप के द्वारों पर तीन तीन अर्धचंद्राकार वॉल्व स्थित होते हैं जो रुधिर को केवल निलय से चापों में ही जाने देते हैं। दाएं निलय से निकलकर पल्मोनरी चाप बाईं ओर घूमकर कैरिटिको सिस्टमैटिक चाप के प्रति पृष्ठ तल से होती हुई हृदय के पृष्ठ तल की ओर पल्मोनरी धमनियों में बट जाती है। इस प्रकार बाएं निलय से निकलकर कैरिटिको सिस्टमैटिक चाप पल्मोनरी चाप के पृष्ठ तल की तरफ धमनियों में बट जाती है। यहां हम देख रहे हैं हृदय के आंतरिक संरचना में, तो देखिए हम देखते हैं ये वाला हिस्सा जो ब्लू कलर से शो हो रहा है यह है दाया, ये वाला हिस्सा हो गया जो लाइट पिंक कलर से शो हो रहा वो रहा बाया हिस्सा। इस प्रकार से ये दो प्रकार ऐसा ये फोर चैम्बर्ड हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और ये इंटर ऑरिकुलर यहाँ पर अंतर आलिंद पट्ट और अंतर निलय पट्ट के कारण ये आपस में दोनों आलिंद और दोनों निलय पृथक रहते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो बहुत अच्छे से हम देख रहे हैं कि दाएं आलिंद से दाएं निलय की तरफ जाने पर कुछ कपाट पाए जाते हैं जिनको कह रहे हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व त्रिवलनी कपाट। और यहाँ पर जो है वो है द्विवलनी कपाट या मिट्रल वॉल्व भी इसको कहते हैं या बाइकस्पिड कपाट कहते हैं। दाया आलिंद जो है वो दाएं निलय में खुल रहा, यहाँ देखो बच्चों बाया आलिंद जो है वो बाएं निलय में खुल रहा। अब यहाँ पर जो रुधिर आ रहा वो आ रहा है कहाँ से बता सकते हैं, सुपीरियर वेन केवा से रुधिर आ रहा। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देखो फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के लिए यहाँ पर छूटा हुआ है अपर्चर, और ये एओर्टा जो है वो महाधमनी, और नीचे यहाँ पर पेरिकार्डियम की एक झिल्ली जिसको हृदयावरण कहते हैं ये हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये है हृदय की आंतरिक संरचना। परकिंजे तंतु, अब ये परकिंजे तंतु क्या कहलाते हैं, परकिंजे तंतुओं के काम कहलाते हैं आलिंद निलय नोड से एक विशेष प्रकार के तंतुओं का बंडल विकसित होता है जिसे परकिंजे तंतु कहते हैं। यह आवेगों को निलय की दीवारों में पहुंचाते हैं जिससे निलय भी संकुचन के लिए प्रेरित होता है। अर्थात जो वेंट्रिकुलर एरिया है उसको कॉन्ट्रेक्शन के लिए प्रेरित कौन करता है, परकिंजे तंतु। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, परकिंजे तंतुओं के क्या कार्य हैं? अब मानव हृदय को पेशी जनक या मायोजेनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विशिष्ट पेशी तंतु ऐसे नोड के कारण हृदय स्पंदन का प्रारंभ स्वयं हृदय पेशी द्वारा होता है। मायो यानी पेशी और जेनिक यानी उत्पन्न करने वाला। निम्न वर्ग के जंतुओं में हृदय न्यूरोजेनिक होता है अर्थात हृदय स्पंदन का जो आवेग है वो तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। मानव हृदय विशेष प्रकार की पेशियों का बना होता है जिन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं, हृदयक पेशी कहते हैं। ये पेशियां जीवन पर्यंत थकती नहीं है, इसमें लयबद्ध संकुचन और शिथिलन होता रहता है, इस कारण हृदय हमेशा धड़कता रहता है। हृदय रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करने का कार्य करता है जो इसके संकुचन एवं शिथिलन द्वारा पूर्ण होता है।
इसके संकुचित होने से इसका आयतन कम होता है, जिससे रुधिर धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है, तथा जब यह शिथिल होता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, जिसकी पूर्ति के लिए रुधिर के शरीर शरीर के अन्य भागों से रुधिर जो है वो शिराओं द्वारा इसके अंदर आ जाता है। हृदय का यह संकुचन एवं शिथिलन उसकी संकुचन एवं शिथिलन के पेशियों के संकुचन एवं शिथिलन के परिणाम स्वरूप होता है, जिसे हृदय की धड़कन कहते हैं। अब हम देखें हृदय चक्र। हृदय चक्र क्या है? हृदय स्पंदन के समय हृदय के प्रत्येक भाग में क्रमबद्ध रूप से होने वाली परिघटनाएं जो है वो कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र कहलाती हैं। एक हृदय चक्र में हृदय कक्ष एक विशिष्ट क्रम में संकुचित व शिथिलित होते हैं। इस संकुचन को प्रकुंचन अर्थात सिस्टोल तथा शिथिलन को अनुशिथिलन या डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल। एक चक्र लगभग 8 सेकंड में पूरा होता है। हृदय चक्र की निम्नलिखित प्रावस्थाएं होती हैं। पहला है आलिंद प्रकुंचन अर्थात ऑरिकुलर सिस्टोल। इस अवस्था में दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं, जिससे रुधिर किसमें चला जाता है? निलय में चला जाता। यह अवस्था लगभग 0 to 1 सेकंड तक रहती है। फिर है निलय प्रकुंचन अर्थात वेंट्रिकुलर सिस्टोल, पहले आलिंद का उसके बाद निलय का। हृदय चक्र की इस दूसरी अवस्था में दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं, जिससे रुधिर अपनी अपनी ओर की महाधमनियों में चला जाता। यह अवस्था लगभग 0 to 3 सेकंड तक रहती। इस प्रकुंचन के समय आलिंद निलय वाल्व तेजी से बंद होते हैं, जिससे प्रथम हृदय ध्वनि लब उत्पन्न होती है। अब इसके बाद आता है डायस्टोल, निलय अनुशिथिलन। निलय अनुशिथिलन वास्तव में आलिंद पहले से अनुशिथिलन अवस्था में होते हैं। इस अवस्था को एक संयुक्त अनुशिथिलन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आलिंद निलय के फैलने या प्रारंभिक अवस्था में आ जाने को निलय शिथिलन कहते हैं। यह सामान्य स्थैतिक स्थिति होती है, जो केवल 0 to 4 सेकंड रहती है। इस अवस्था में रक्त महाशिराओं तथा फुफ्फुस शिरा से आलिंदों में आ जाता है। इस अवस्था के प्रारंभ में आलिंद निलय कपाटों के शीघ्रता से बंद होने के कारण द्वितीय हृदय ध्वनि डप उत्पन्न होती है, अर्थात लप और डप पूछा जाता है कि हृदय ध्वनि के बारे में आप बताइए। बच्चों, ये था हृदय की संरचना बाह्य और आंतरिक और हृदय चक्र। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार जो हृदय से पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित किया जाता, परिसंचरण होता, दोहरा परिसंचरण, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू बच्चों।